आरपीटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, संडे है आज और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें। दोस्तों काफी ज्यादा मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए खबरें चुन चुन के लाने में। थोड़ा सा आप भी आपका प्यार एंड सपोर्ट को दिखाते हुए, थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे जरूर से नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए जिससे टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो आपके पास सबसे पहले। तो आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं भाई Asus से। Asus ROG Phone 8 सीरीज जो कि CES 2024 में अनवील होने वाली है 9 जैन को। जी हाँ, जहां पर हमें Asus ROG Phone 8, Asus ROG Phone 8 Pro ये दोनों स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। जहां पर Asus ROG Phone 8 सीरीज के लॉन्चिंग से पहले ही उसके रेंडर्स लीक हो चुके और देखने से स्मार्टफोन ज्यादा गेमिंग ओरिएंटेड लग नहीं रहा है वैसे। और वैसे Asus ROG Phone 8 स्पेसिफिकेशंस भी लीक्ड हो चुके हैं जहां पर कहा जा रहा है ये जो स्मार्टफोन होगा जिसमें 6.78 इंच की FHD Plus AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, गोरिल्ला ग्लास विक्टिस 2K प्रोटेक्शन के साथ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट की ताकत देखने को मिल जाएगी, 5500 mAh की बैटरी होने वाली है एंड क्विक चार्ज 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स होगा, IP68 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, 5 मैग्नेट स्पीकर सिस्टम होने वाले, NFC Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब वैसे आने देते हैं Asus ROG Phone 8 सीरीज को, देखते हैं इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है। Realme की बात करते हैं दोस्तों, Realme GT Neo 6, Realme 12 Pro सीरीज जिसके लॉन्चिंग टाइमलाइन लेट हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट कहा जा रहा है जो चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस्टिवल है उनका, जो कि चाइनीज स्प्रिंग फेस्टिवल 2024 होने वाला है जिसकी शुरुआत 10 फेब्रुअरी से होगी, उसके बाद ही हमें Realme GT Neo 6 एंड Realme 12 Pro सीरीज देखने को मिल जाएगी चाइना में और कुछ एक या डेढ़ महीने के बाद हमें Realme 12 Pro सीरीज भारत में भी देखने को मिलेगी। वैसे देखते हैं Realme 12 Pro सीरीज में हमें इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, इसे किस कीमत पर लॉन्च किया जाता है, लेट्स सी। MediaTek की बात करते हैं दोस्तों, MediaTek Dimensity 9400, जी हाँ सही सुन रहे हो आप, अभी MediaTek Dimensity 9300 की तो एंट्री भी नहीं हुई भारत में, पर यहाँ पर अब 9400 की बातें होना शुरू हो चुकी है, जहाँ पर कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार कि MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट का जो प्रोडक्शन का काम है, मास प्रोडक्शन का, वो फिर 2024 से शुरू होने वाला है चाइना में, जहाँ पर TSMC मैन्युफैक्चरिंग करने वाली यही चिपसेट को 3nm बेस्ड चिपसेट रहेगी। वैसे MediaTek Dimensity 9300 चिपसेट ये फ्लैगशिप चिपसेट अभी फिलहाल है जिसको बहुत सारी स्मार्टफोन चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ब्रांड्स ने अपनाया है, लाइक ओप्पो, वीवो, वन प्लस और भी बहुत सारी चाइनीज मेकर कंपनीज है। अब यहाँ पर चाइना में ही सिर्फ $1 billion का रेवेन्यू कलेक्ट किया हुआ है MediaTek ने, सोचिए। पर आप हमें ये बताइए विच इज द बेटर चिपसेट, MediaTek और Qualcomm, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस कमेंट में जरूर से बताइए। Xiaomi की बात करते हैं दोस्तों, Xiaomi की ओर से एक अच्छी खबर भी आई है, एक बुरी खबर भी है। वैसे आपको सबसे पहले कौन सी सुनाए आप बताइए, सबसे पहले बुरी सुनाते फिर अच्छी सुनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जहां पर बुरी खबर की बात करें तो Xiaomi 14 Pro ये जो दोनों स्मार्टफोन है, जहां पर कहा जा रहा था कि ये स्मार्टफोन हमें ग्लोबली देखने को मिल जाएंगे, पर अब यहां पर एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है Xiaomi 14 सीरीज में Xiaomi का जो बेस मॉडल है Xiaomi 14 जिसे ही ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, या Xiaomi 14 Pro स्मार्टफोन को स्किप कर दिया जाएगा। अब वैसे Xiaomi ये क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है ये नहीं पता। वैसे Xiaomi का एक मिस्टीरियस फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिस पर अभी फिलहाल काम चल रहा है टेस्टिंग का, जिसमें हमें 3.2x ऑप्टिकल जूम की कैपेबिलिटी देखने को मिलने वाले, आप कहोगे Xiaomi 14 Ultra होगा, जी नहीं, Xiaomi 14 Ultra नहीं, कोई और ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, मिस्टीरियस स्मार्टफोन, अभी फिलहाल Xiaomi ने इसका नाम रिवील नहीं किया। वैसे देखते हैं Xiaomi का ये जो मिस्टीरियस अननोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन है इसका क्या नाम रखता है Xiaomi, कितनी ही जल्दी हमें देखने को मिल जाता है और इसे बाद में लॉन्च किया भी जाता है या नहीं, लेट्स सी। Nothing की बात करते हैं दोस्तों, Nothing Phone 2A ये जो स्मार्टफोन जो कि हमें MWC में देखने को मिलने वाला है, अनाउंस होने वाला है, जहां पर Nothing ने ऑलरेडी ये जो स्मार्टफोन जिसके डिजाइन को शोकेस कर दिया है और जिसे देखने से पता लग रहा है कि बैक डिजाइन को चेंज किया है, स्पेशली ग्लिप को पूरी तरीके से डिजाइन कर दिया है और यही जो स्मार्टफोन जिसके स्पेक्स के बारे में बात करें भी कहा जा रहा है 120Hz के रिफ्रेश के साथ आने वाली हमें OLED पैनल देखने को मिलने वाली है यही स्मार्टफोन में, और स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7200 चिपसेट का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। वैसे ग्लिप के जो कंट्रोल से पूरी तरीके से Nothing Phone 2 स्मार्टफोन जैसे होने वाले ऐसा कहा जा रहा है।
है। और ये जो स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस कही जा रही है $400 होगी, यानी अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से 34,400 रुपीज के आसपास। वैसे देखते हैं नथिंग फोन 2 स्मार्टफोन की क्या प्राइस होती है, इसे कितनी ही जल्दी भारत में लॉन्च किया जाता है, इस बात का इंतजार है। टेक्नो की बात करते हुए, टेक्नो ने अपना टेक्नो स्पार्क 20 प्रो ये जो स्मार्टफोन है जिसे लॉन्च कर दिया है फिलीपींस में। पर इस स्मार्टफोन के अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो 6.78 इंच के में FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। MediaTek Helio G99 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। 108 2+0.8 मेगापिक्सल का में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा क्वाड LED फ्लैश के साथ, जबकि 32 मेगापिक्सल का में फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा ड्यूअल LED फ्लैश के साथ। Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स होने वाला है, 5000 mAh की बैटरी एंड 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। IP53 की रेटिंग भी होने वाली है ये स्मार्टफोन में। जी हाँ, ये वैसे काफी अच्छी बात है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। वैसे जो स्मार्टफोन है जिसकी जो प्राइस है वो सिर्फ $100 रखिए, यानी अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी हिसाब से 8,350 रुपीज के आसपास। वैसे अगर ये प्राइस पर ये स्मार्टफोन भारत में लॉन्च किया जाता है या इससे थोड़ी कम प्राइस में, तो मजा ही आ जाएगा। अफकोर्स ये 4G स्मार्टफोन है पर इस प्राइस पॉइंट पर ये काफी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करता है। वैसे देखते हैं स्मार्टफोन में कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है भारत में, इस बात का इंतजार है। सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE ये जो स्मार्टफोन है वो ऑलरेडी भारत में लॉन्च हो चुका है, जो कि एक्सिनोस चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। और ये स्मार्टफोन अभी भी फिलहाल आपको अमेज़न पर देखने को मिल जा रहा है, जिसकी प्राइस 59,999 रुपीज है। जहां पर मुझे भी बहुत सारे यूअर्स ने कमेंट में पूछा था कि भाई ये जो स्मार्टफोन है वो क्वालकॉम चिपसेट के साथ आएगा या फिर एक्सिनोस चिपसेट के साथ। अब यहाँ पर अगर जिन्होंने स्मार्टफोन परचेज नहीं किया है और यही स्मार्टफोन को परचेज करना चाह रहे हो क्वालकॉम चिपसेट के साथ, तो ये स्मार्टफोन आ रहा है। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर ये जो स्मार्टफोन है वो ऑफिशियली टीज हो चुका है कि ये स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 चिपसेट के साथ देखने को मिल जाएगा। और प्राइस क्या हो सकती है, एक्सिनोस चिपसेट के साथ आने वाले स्मार्टफोन की प्राइस 59,999 रुपीज है। आपके अकॉर्डिंग क्या प्राइस होगी, इससे ज्यादा होगी या कम होगी, प्राइस भी हम आपको बता ही देते हैं। भाई क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 चिपसेट के साथ आने वाला ये जो स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस फ्लिपकार्ट पर एक्सीडेंटली लीक हो चुकी है और प्राइस कही जा रही 56,500 रुपीज होने वाली है। वैसे देखते हैं क्या होता है। और वैसे यही प्राइस पर ये स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाता है, तो आपके अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन की प्राइस कैसी है, कमेंट में जरूर से बताएं। OnePlus की ओर से खबर आ रही है दोस्तों, OnePlus 12 R ये जो दोनों ही स्मार्टफोन है जो कि ग्लोबली 23 जन को लॉन्च होने वाले हैं, हम सभी को पता ही है। जहां पर ये जो स्मार्टफोन है वो सेम टाइम पर हमें भारत में भी देखने को मिल जाएंगे और भी OnePlus के प्रोडक्ट्स इसके साथ हमें देखने को मिलने वाले हैं। जहां पर कंफर्म ये हो रहा है कि भाई OnePlus 12 R ये जो स्मार्टफोन है जिसमें हमें कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी एंड मेटल फ्रेम का इस्तेमाल भी होने वाला है। वैसे देखते हैं OnePlus 12 स्मार्टफोन में 8 Gen 3 चिपसेट देखने को मिलने वाली है, OnePlus 12 R स्मार्टफोन में 8 Gen 2 चिपसेट देखने को मिल जाएगी। अब दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस में कितना अंतर देखने को मिल जाता है, इस बात का इंतजार। AI की बात करते हैं दोस्तों, AI का यूज बहुत ही ज्यादा तादाद में होने लगा है। मोस्टली हर एक यूजर AI का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर AI जनरेटेड वीडियोस हो गया, AI जनरेटेड फोटोज हो गया, AI जनरेटेड म्यूजिक हो गया, बहुत सारी चीजें में AI जनरेटेड देखने को मिल जाती है अभी के टाइम में। जहां पर हमारा भारत कहां से पीछे हटेगा, जी हाँ भाई, भावेश अग्रवाल जो कि ओला के CEO है, जिन्होंने अनवील कर दिया है कृत्रिम AI को। और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि फर्स्ट इंडियन AI चीप हमें देखने को मिल जाएगी 2025 में, जिसका अर्ली एक्सेस 2024 से शुरू होने वाला है। वैसे काफी प्राउड मूवमेंट है हमारे भारत के लिए। और कृत्रिम AI की बात करते हुए कहा जा रहा है इंडिया की सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाला है और ये ChatGPT को डेफिनेटली कम्पीट तो करेगा भारत में। अब वैसे देखते हैं कृत्रिम AI हमें कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाता है, क्या कुछ हमें नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं कृत्रिम AI में, इस बात का इंतजार है। काम करियर की बात करते हैं, अगर आपको चाहिए एक USB हब वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। Zebronics के और से वाला USB हब अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में Amazon पर देखने को मिल जा रहा है। और यही USB हब की अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, वे 4 पोर्ट के साथ आने वाला, USB 3.0 के सपोर्ट के साथ आने वाला ये जो USB हब है जो कि आपके हर एक डिवाइसेस के लिए कंफर्टेबल रहने वाला है। वैसे USB हब में आपको 1 साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है एंड काफी लाइट वेट ये USB हब है। वैसे अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये अभी आपको Amazon पर देखने को मिल जा रहा है सिर्फ 499 रुपए में। वैसे काफी बेहतरीन डील है अगर आप
आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते मनी हेस्ट, आप कहोगे ये तो सीरीज है जो कि मोस्टली आप सभी ने देखी होगी, भाई इसकी गेम भी आ रही है। जी हाँ, मनी हेस्ट अल्टीमेट चॉइस, जो कि कहा जा रहा है 4 जून को ये गेम नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। वैसे नाम से तो ये लग रहा है कि भी ये गेम में हमें थीप वगैरह यानी चोरी वगैरह करनी होगी और ये स्ट्रेटेजी गेम होगी। वैसे अगर आपको भी इस टाइप की गेम खेलने का मजा आता है, स्पेशली मनी हेस्ट के आप फैन हो, तो भी ये गेम खेलने में आपको मजा आने वाला है। वैसे देखते हैं गेम कैसी होती है, ये तो खेलने के बाद ही पता चल पाएगा। वैसे आप हमें ये बताइए, आप गेम्स को खेलना कहाँ पर ज्यादा प्रिफर करते हो, स्मार्टफोन पे, कंसोल पे या पीसी पे, क्या सोचे कमेंट में बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।